गिरिडीह लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र से निर्दलीय उम्मीदवार सह जेबीकेएसएस के सुप्रीमो युवा नेता जयराम महतो पर आस्था जताते हुए डुमरी प्रखंड के परसाबेड़ा मुखिया मोहम्मद हसीमुद्दीन के नेतृत्व में क्षेत्र के दर्जनों अल्पसंख्यक समुदाय के लोग जेबीकेएसएस का दामन थामने पहुंचे। इस बाबत शनिवार की रात जामताड़ा स्थित जेबीकेएसएस कार्यालय में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें झामुमो आजसू पार्टी एवं AIMIM को छोड़ दर्जनों लोगों ने जेबीकेएसएस का दामन थामा। कार्यक्रम का संचालन जेबीकेएसएस के केंद्रीय उपाध्यक्ष शेख शहीद ने युवाओं को पूरे उत्साह के साथ अपने पक्ष में मतदान कराने के लिए कहा। शहीद ने बताया कि 21 मई को दूसरे को छोड़ सैकड़ों की संख्या में लोग जेबीकेएसएस का दामन थामेंगे। मौके पर प्रधान महासचिव फरजान खान, केंद्रीय महामंत्री सद्दाम हुसैन, मुनाजीर अंसारी, हैदर अली अंसारी ने अपने पार्टी को छोड़कर आए लोगों का माला पहनाकर स्वागत किया। मुखिया के नेतृत्व में जिन लोगों ने जेबीकेएसएस की सदस्यता ग्रहण की, उसमें खांकी कला के मोहम्मद सदाम मंसूर अंसारी, कौसर अंसारी, जमील अंसारी, अतहर अंसारी, इजहार अंसारी, तौसीफ अंसारी, इसराफिल अंसारी, तहजीब अंसारी, लक्ष्मण टुंडा के सफीरुद्दीन अंसारी और अन्य लोगों ने जेबीकेएसएस की सदस्यता ग्रहण की। हमारे डुमरी विधानसभा में हमारे MIM और कुछ हमारे JMM के और कुछ कांग्रेस के कार्यकर्ता जो आज जेबीकेएसएस का दामन थामे हैं, उनको हम तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहते हैं। और हमारे प्रधान महासचिव फरजान खान जी हैं, और दोबारा हम लोग के बीच रखें क्या है। सबसे पहले मैं जेबीकेएसएस के तमाम सेनानियों को हार्दिक बधाई देना चाहते हैं और साथ ही साथ हार्दिक जोहार। जैसा कि आज हम लोग सैकड़ों की तादाद में जेबीकेएसएस पार्टी को ज्वाइन किए हैं, और ये एक जीत की आगाज और सूचना है कि जयराम महतो को जिताकर अपनी आवाज़ों को, नौजवानों की आवाज़ों को, बेरोज़गारों की आवाज़ों को, दबे कुचले शोषित पीड़ित के आवाज़ों को संसद तक भेजने का काम करेंगे। इस मकसद के साथ आज हम लोग तहे दिल से जेबीकेएसएस पार्टी को ज्वाइन किया हूं। जैसा कि हम लोगों ने हर पार्टियों को देख लिया, सबों ने मिलकर झारखंड को लूटा है। एक गरीब का बेटा टाइगर जगन्नाथ जयराम महतो ने बेरोजगारों की समस्याओं को उठाया है, दलितों की समस्याओं को उठाया है, विकास की उन तमाम समस्याओं को उठाते हुए सरकार तक भेजने के लिए तरह तरह के आंदोलन, समय समय पर आंदोलन करते आए हैं, और उस आवाज़ को बुलंद करने के लिए आज हम लोग इस पार्टी को ज्वाइन किए हैं। धन्यवाद। अलग करके दे दिया, अब हम लोग को इस झारखंड को नवनिर्माण को, इस झारखंड का दिशा चेंज करना है। इसके लिए हम लोग को हर कौम के लोगों को आना है, और हमारे कौम जो है मीम कौम है, जो मुस्लिम कौम है, वो गेम चेंजर होंगे इस बार लोकसभा। यही लोग एक तरफा वोट मार के जयराम महतो को दिल्ली भेजने का काम करेंगे। इसलिए अपना कौम से हम गुजारिश करना चाहते हैं, फील्ड में अच्छा से काम कीजिए और जयराम महतो दिल्ली में गरजने का मौका दीजिए। पहले जेबीकेएसएस वाले सभी साथियों को जोहार, और मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ लोगों का जिसने मुझे इस पार्टी में इतना इज्जत के साथ बुलाया। मैं इस पार्टी में ज्वाइन करने के लिए बहुत सारे मुद्दों को, बहुत तरह की प्रॉब्लम को मैंने देखा है, और इन सब चीज़ को देखते हुए मैंने ये डिसीजन लिया है कि अभी के टाइम में 1932 का खतियान जिस तरह से मुद्दा लेके उठे हैं जयराम दादा, उनसे बेहतर कोई नहीं है। और मुझे यकीन है कि ये इस मुद्दे पर वो एक मील के पत्थर के बराबर साबित होने वाले हैं, क्योंकि उनके पास पढ़े लिखे वो एक व्यक्ति है, बहुत अच्छे पढ़े लिखे व्यक्ति है, और वो हर तबके के लोगों के लिए बात करते हैं। वो जाति धर्म से कोई मतलब नहीं रखते हैं, और इन सब सिद्धांत को उनको देख के हम लोगों को बहुत अच्छा लगा। और मैं आखिर में एक बात कहना चाहूँगा तमाम गिरिडीह लोकसभा की जनता से कि आप लोग जातिवाद के चक्कर में ना रहें और जयराम जी का साथ दें। अगर गिरिडीह लोकसभा को बहुत मजबूती के साथ आगे बढ़ाना है और जयराम जी को दिल्ली भेजना है, और हमारी समस्या को वो दिल्ली में रखेंगे, और मुझे ये पूरा यकीन है कि टाइगर जयराम महतो से अच्छा कोई नहीं है। इसलिए मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि आप लोग 25 तारीख के दिन सब लोग गैस सिलेंडर पर
वोट करके और जयराम जी को भारी मतों से विजय बनावे। शुक्रिया।